This question says, if alpha comma beta belongs to set of complex number are the distinct roots of the equation this, then alpha this, ठीक है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है। तो वापस अगर हमने क्लास में ध्यान से सुना है ये, ठीक है, तो हमने ऐसे बोला था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ाया गया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से, और वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने ये बोला था कि एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखते तो यह आ जाएगा, और इसके रूट्स एक्स की जगह माइनस एक्स रख के तो रूट नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दो रूट हो जाएंगे, ठीक है। इसको देखने का बहुत एक आसान तरीका ये भी है कि इसी इक्वेशन में अगर मैं ओमेगा रख दूं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन जीरो होता है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसका एक रूट ओमेगा हो गया, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं, तो अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में मिलता है, तो अगर एक रूट ओमेगा है तो दूसरा रूट ओमेगा बार होना चाहिए। ओमेगा बार इज़ नथिंग बट वन अपॉन ओमेगा, क्योंकि यूनी मॉडुलर है विच इज़ ओमेगा स्क्वायर, तो इसलिए इसके रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे तुम देख सकते हो माइनस ओमेगा रखने में सेटिस्फाई होगा, इसलिए रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अल्फा रेज टू पावर 101 प्लस बीटा रेज टू पावर 107, तो अल्फा मतलब माइनस ओमेगा रेज टू पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 107, ठीक है। देन वी नो ओमेगा क्यूब वन होता है। अच्छा, अगर हमें ये नहीं भी पता है कि इसके रूट माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा तो भी कोई बात नहीं, तो सीधा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसको सॉल्व किया तो एक्स बराबर माइनस बी, तो हो गया प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वन प्लस माइनस रूट 3/2, जिसको आई कैन राइट डाउन हाफ प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा, ठीक है। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म में, तो कॉस थीटा हाफ और रूट 3/2 किस एंगल पे वैल्यू होगा, π/3 पे, तो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर π/3 आयोटा एंड ई रेज टू पावर माइनस π/3 आयोटा, ठीक है, ई रेज पायोटा थीटा। तो इसमें से एक मतलब ऐसे लिख के ये एक अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अब दिस रेज टू पावर 101 कैलकुलेट कर लो एंड दिस रेज टू पावर 107, हाँ 107 ये कैलकुलेट कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मेरे को पता है, अगेन वही बात, अगर हमने ध्यान से सुना है और याद है तो इतना कैलकुलेशन बच जाएगा, ठीक है। और फिर हमें ओमेगा की ये भी प्रॉपर्टी पता है कि ओमेगा क्यूब वन होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑड पावर हैं, तो माइनस तो बाहर निकाल दिया, तो माइनस बाहर निकालने के बाद 101 ओमेगा स्क्वायर 107, तो जो 3 का मल्टीपल है, जैसे 101 में 99 प्लस 2 लिख सकते हैं, और 99 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2 बच गया। ऐसे ही इसको ओमेगा स्क्वायर की पावर 105 3 का मल्टीपल हो जाएगा एंड ओमेगा स्क्वायर का 2 बच गया, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा क्यूब का कोई भी पावर 1 होगा, तो ओमेगा रेज टू पावर 99 को आई कैन राइट डाउन ओमेगा क्यूब का पावर 33, इसलिए वो 1 हो गया। सो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, सेम लॉजिक से ये भी 1 हो गया। और मतलब और भी मैं बोल सकता हूँ कि हमने ऐसे बोल रखा है ओमेगा रेज टू पावर 3n 1 होता है, ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 1 ओमेगा होता है, ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी 1 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, ओमेगा रेज टू पावर 4, ओमेगा रेज टू पावर 4 में से भी ओमेगा क्यूब को निकाल दिया क्योंकि वो 1 हो गया, तो ये बचा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये कितना हो गया -1, तो हो गया माइनस 1 विच इज़ 1। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें बेसिक नॉलेज भी है तो ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे सा मतलब है कि जाके कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो, तुम्हें बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता, मतलब दिस इज बोर्ड टाइप चीज। ठीक है, तो आई होप यू आर विद मी एंड यू फॉलोड इट।